वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सभी सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, इससे भूतकाल में कोई ऐसे कार्य जो कुछ समय तक जारी हो उसको बताया जाता है। इस प्रकार के टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आदि रहता है। या इस प्रकार के टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया रहा था, रही थी, रहे थे आदि के साथ टाइम भी दिया रहता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे, जैसे 10 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2010 से, इस प्रकार के जो टाइम दिए रहेंगे उनके लिए आपको सिंस यूज करना है। और जो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, जैसे 2 घंटे, 4 दिन, 2 महीने, 5 वर्ष, इस प्रकार के जो टाइम दिए रहेंगे उनके लिए आपको फार यूज करना है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद VING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड होता है, उसके साथ बीन लगाकर ING फॉर्म यूज करते हैं, अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वह एक पुस्तक पढ़ती रही थी। इसमें आप देख सकते हैं वह एक पुस्तक पढ़ती रही थी, ती रही थी, प्रेजेंट में नहीं है या पास्ट में है, था, थी, थे आता है तो पास्ट में होता है, और है, हूँ, वो आता है तो प्रेजेंट में होता है, और गागे गी आता है तो फ्यूचर में होता है। तो यहाँ पर था, थी, थे दिया गया है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद VING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट है वो का इंग्लिश सी लिखेंगे, फीमेल में है तो सी, इसके बाद हैड, इसके बाद बीन, इसके बाद VING, पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश टू रीड, तो रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एक पुस्तक और बुक, इसके बाद लगा देना है फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, आप अपने पिताजी का इंतजार करते रहे थे। इसमें सब्जेक्ट यू है, यू हैड बीन, इसके बाद वर्ब इंतजार करना वेटिंग, इसके बाद फॉर अपने पिता, सब्जेक्ट यू है, यू का पजेसिव केस योर होता है, योर फादर, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, वह 1 घंटे से कमरे में सो रही थी। इसमें सब्जेक्ट वह सी, इसके बाद हैड बीन, सोना टू स्लीप, तो स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग, अदर वर्ड्स कमरे में, इन द रूम, इसके बाद यहाँ देख सकते हैं टाइम आया है 1 घंटे से। तो यह आपका पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए फॉर यूज करेंगे, फॉर 1 आवर, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस, राम सोमवार से यहाँ कार्य कर रहा था। राम हैड बीन, इसके बाद कार्य करना वर्किंग, इसके बाद यहाँ तो हियर, सोमवार से, तो सोमवार निश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए सिंस यूज करेंगे, सिंस मंडे। यदि आप सिंस और फार का यूज समझना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स। तो हमें नेगेटिव में क्या करना है, हैड के बाद नॉट लगा देना है। क्या करना है, हैड के बाद क्या कर देना है, नॉट लगा देंगे तो यह नेगेटिव में हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें केवल हैड के बाद नॉट लगा देंगे और आपका नेगेटिव बन जाएगा। जैसे वह एक पुस्तक
पढ़ती रही थी, तो वह एक पुस्तक नहीं पढ़ती रही थी। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, हैड के बाद हमें क्या करना है, नॉट लगा देना है। तो हैड के बाद हम क्या यूज कर देंगे, नॉट। इसके बाद अगला सेंटेंस, आप अपने पिताजी का इंतजार करते रहे थे, तो आप अपने पिताजी का इंतजार नहीं करते रहे थे। तो हमें हैड के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना, यहाँ पे क्या करना है, नॉट लगा देना। इसके बाद वह एक घंटे से कमरे में सो रही थी, तो वह एक घंटे से कमरे में नहीं सो रही थी। तो हमें क्या करना है, हैड के बाद नॉट लगा देना है। तो हो जाएगा सी हैड नॉट बीन स्लीपिंग इन द रूम फॉर वन आवर। अगला सेंटेंस, राम सोमवार से यहाँ कार्य कर रहा था, तो राम सोमवार से यहाँ कार्य नहीं कर रहा था। तो आप ध्यान देंगे इसमें नहीं आ गया, तो राम हैड नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस मंडे। तो हमें ध्यान रखना है, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आप ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो आंसर टाइप्स क्वेश्चन और एक डिटेल्स आंसर टाइप्स क्वेश्चन। यस नो वाले अर्थात जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और दूसरा जो डब्ल्यू एच वर्ड यानी प्रश्न शब्द जो बीच में आता है उससे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले हेड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वी आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वह मेरे साथ खेलता रहा था? तो इसमें आप देख सकते हैं क्या पहले आया है, तो यह क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो जब क्या से स्टार्ट होगा तो क्या का इंग्लिश नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट वो, इसका इंग्लिश ही हो जाएगा मेरे साथ, विद मी, और खेलना का प्ले, तो उसका एनजी फॉर्म प्लेइंग। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हैड लिखना है, इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ही लिखना है, उसके बाद बीन लिखना है, इसके बाद प्लेइंग, प्ले का आई एन जी फॉर्म प्लेइंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट मेरे साथ, तो इसका इंग्लिश विद मी हो जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वो मेरे साथ खेलता रहा था, तो हैड ही बीन प्लेइंग विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे दो घंटे से फूल तोड़ रहे थे, तो क्या का इंग्लिश नहीं लिखना है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, इसके बाद बीन, इसके बाद तोड़ना प्लक, प्लकिंग हो जाएगा, फूल तो फ्लावर्स, इसके बाद दो घंटे से, तो यह आपका पीरियड ऑफ टाइम है अर्थात अनिश्चित समय है। दो घंटा फॉर के यूज करेंगे, फॉर टू आवर्स क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं डिटेल्स वाले में, डिटेल्स वाले में क्या देखना है, हमें जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसका अंग्रेजी पहले लाके राइट करना है। इसका जो स्ट्रक्चर रूल होता है आप देख सकते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स अर्थात जो प्रश्न सूचक शब्द रहेंगे उनको लाके पहले लिखना है, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वी आई एन जी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह चार दिनों से क्या कर रहा था, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या कर रहा था, तो यह बीच में आया है क्या, तो इसका इंग्लिश आपको लिखना है सबसे पहले, तो क्या का इंग्लिश व्हाट लिखना है, इसके बाद हैड लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट व, तो ही, इसके बाद बीन लिखना है, इसके बाद करना का इंग्लिश टू डू होता है, तो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग, और इसके बाद चार दिनों से, तो चार दिन ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर का यूज करेंगे, फॉर फोर डेज, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, आप 10 बजे से कहाँ सो रहे थे, इसमें क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, तो इसका इंग्लिश आपको क्या करना है, पहले लिखना है, तो इसका इंग्लिश होगा वेयर, इसके बाद हैड, इसके बाद यू, इसके बाद बीन, अब इसके बाद सोना, सोना का इंग्लिश
स्लीप तो स्लीपिंग लिखेंगे। इसके बाद 10 बजे से यह आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो इसके लिए सिंस यूज करेंगे सिंस। उसके बाद 10 o'clock। क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे। तो इस प्रकार हमने देखा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में बस थोड़ा सा ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज जिस प्रकार हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे थे तो हैड के बाद नॉट लगा रहे थे, तो यहाँ पर हैड पहले लिखा गया है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। सेम रूल सब वही रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे क्या वह मेरे साथ नहीं खेलता रहा था, तो इसमें देखिए क्या वह मेरे साथ नहीं खेलता रहा था, तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग विद मी, क्या वे 2 घंटे से फूल नहीं तोड़ रहे थे, तो इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। हैड दे नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 hours। इसी प्रकार डिटेल्स में भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है। जैसे वह 4 दिनों से क्या नहीं कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, तो इसका इंग्लिश हुआ व्हाट हैड ही नॉट बीन डूइंग फॉर 4 days। अगला सेंटेंस, आप 10 बजे से कहाँ नहीं सो रहे थे, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो हमें इसको नेगेटिव करना, वेयर हैड यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock। तो हमें ध्यान रखना है, हमें केवल सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है और हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना देना है। तो इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।